एक जादुई क्षेत्र अपने मालिकों को गंभीर जीवों और अद्भुत विहंगम दृश्यों से भरे एक और आयाम की खोज करने की क्षमता देता है। इस दुनिया में कोई भी बूढ़ा नहीं होता जो हर कोई उड़ सकता है, लेकिन क्यों हर कोई जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहता है और क्या मुख्य पात्र ऐसा करने में कामयाब होंगे। अमेरिका के एक स्पेनिश तट पर कहीं एक समुद्री डाकू जहाज बोर्ड या शाही मालवाहक जहाज, जिसमें से एक खजाने की छाती को फहराया जाता है, लेकिन सोने के सिक्कों और रत्नों के बजाय समुद्री डाकू की उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, जिसमें एक कांच का मोती होता है, लेकिन अचानक एक परी के चेहरे पर मोती चमकने लगता है। समुद्री लुटेरों के अंदर से झांकता है, सभी को बहुत आश्चर्य होता है कि समुद्री लुटेरों का नेता ओप को गोली मारता है और जहाज गायब हो जाता है, जादू छोड़ देता है या हवा में तैरता है। लंदन 200 साल बाद, संगीतकार पीटर के नेतृत्व में युवा बेघर चोरों का एक गिरोह एक अच्छी पकड़ पाने के बाद सज्जनों के एक समूह से चोरी करने के लिए एक पूरा शो करता है। वे अपनी खो में लौट आए जहां उनके पुराने कॉमरेड गिन्नी ने लड़कों को प्राचीन वस्तुओं की एक गंभीर चोरी की नौकरी की पेशकश की। लड़कों ने तुरंत इस तरह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पीटर के विपरीत, जो तुरंत गैम्बल की चोरी की योजना बनाता है, वह अपने दोस्तों को याद दिलाता है कि गिन्नी ने उन सभी को बचा लिया और अब उन्हें उसकी मदद करनी है और प्राचीन वस्तुएं प्राप्त करनी है। लड़कों की बहस सुनकर जिमी को खुद भी एहसास होता है कि उसने उन्हें एक बहुत बड़ा टास्क दिया है, इसलिए पीटर को एक तरफ ले जाकर वह कहता है कि डकैती रद्द हो गई है और वह खुद ही सब कुछ संभाल सकता है। शाम के समय जिमी एक ग्राहक से बात करता है जिसके लिए उसे प्राचीन वस्तुएं चुरानी चाहिए। इसके लिए चोर की एक महत्वपूर्ण शर्त है कि उसे लंदन के समाज में अपना स्थान पुनः प्राप्त करना होगा। आधी रात बीत चुकी है, ट्यूटर रोशनी चालू करने के लिए लड़के के कमरे में जाता है। उसका ध्यान पीटर के बिस्तर पर गया और कंबल को नीचे खींच लिया। आदमी को पता चलता है कि लड़के भाग गए हैं। छोटे मोटे चोरों का अंत हो गया और सभी दोस्त रात के पहरेदार को विचलित कर देते हैं। पीटर ने म्यूजियम में एक चूहे को लॉन्च किया, ये जानते हुए कि यह वाशिंगटन को दरवाजा खोलने के लिए मजबूर करेगा। सब कुछ वैसा ही होता है जैसा गिरोह ने योजना बनाई थी और चोर अंदर पहुंच जाते हैं। जब जिमी दिखाई देता है तो लड़के संग्रहालय के कीमती सामान की भीख मांग रहे हैं। क्रोधित संरक्षक पीटर को डांटता है, लेकिन वह लड़कों को काम खत्म करने और बैग भरने देता है और इस बीच वह खुद उस तिजोरी को खोलता है जिसमें सबसे मूल्यवान कलाकृतियां होती हैं। लेकिन जेवरों में दिलचस्पी नहीं है, जिमी वह उस छाती की ओर जाता है जिसमें गिलास या ट्यूटर मोती पर दस्तक देता है जैसे कि यह किसी का दरवाजा था और वो तुरंत चमकना शुरू कर देता है। हर किसी को प्रसन्न करता है, लेकिन पीटर एक ही समय में लड़का जोश में है, वह मुख्य हॉल में मिली तलवार से खेल रहा था। अचानक गुरु को कुछ चौंका देता है और वह मोती को फर्श पर गिरा देता है। उस पल में संग्रहालय के माध्यम से उज्जवल प्रकाश की एक चमक चमकती है और पीटर को छोड़कर पूरी कंपनी गायब हो जाती है। लड़का रहस्यमय क्रम को अपने साथ लेकर मांद में लौट आता है और सोच रहा था कि स्थिति को कैसे ठीक किया जाए। एक सज्जन के रूप में दरवाजे पर एक दस्तक होती है जो हाल ही में जिमी से मिलने आया था, लेकिन जब उसे पता चला कि मास्टर घर पर नहीं है तो वह पीटर के सवालों का जवाब दिए बिना चला जाता है, यह अनुमान लगाते हुए कि सज्जन मोती से जुड़ा हुआ है। पीटर ने उसका पीछा करने का फैसला किया। अतिथि को घर में प्रवेश करते देख पीटर अंदर घुस गया और लोगों के एक समूह को एक अजीब अनुष्ठान करते हुए देखा। लड़का करीब से देखने में विफल रहता है। वह डॉक्टर रिचर्ड फ्लर द्वारा पकड़ा जाता है, जो लड़के के पास आते ही उसे देख लेता है। पीटर को डॉक्टर को बताना है कि हाबली में क्या हुआ था और ORC के बारे में सुनकर रिचर्ड बहुत उत्साहित हो जाता है। उन्होंने लड़के के दोस्तों और संरक्षक को वापस लाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का वादा करने वाली कलाकृतियों को देने के लिए कहा। बूढ़े आदमी पर विश्वास न करते हुए पीटर भाग जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो दस्तक देकर सक्रिय हो गया है, वह अपने सहायक में बाढ़ से एक सेकंड पहले घर लौटता है। उसके बाद लड़का गायब हो जाता है। लड़का अपने आप को अजीबोगरीब मुड़े हुए पेड़ों से घिरे एक अजीब जंगल में पाता है। उनमें से एक पर चढ़कर उसने कई पैर वाले मगरमच्छों को नोटिस किया और एक कैंप फायर से धुआं निकला जो उसके दोस्तों तक पहुंच सकता था। पीटर फटे हुए बर्फ के बहाव पर मंडराते धुएं की ओर तेजी से बढ़ता है। इस बीच चालक दल शोर सुनता है और बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी करता है, लेकिन कुछ गलत होता है। गुरु सभी को छिपने का आदेश देता है। जिमी सही साबित होता है कि पीटर उसके पास नहीं आता है, लेकिन 200 साल पहले गुब्बारे में गायब हुए समुद्री डाकू। पीटर अपने दोस्तों को समुद्री डाकू जहाज पर ले जाते हुए देखने का प्रबंधन करता है। वापस अपने शिविर में वह तय करता है कि आगे क्या करना है, और उसकी खुशी के लिए लड़का अपने एक दोस्त लिसा को पाता है जो सुरक्षित रूप से छिपने में कामयाब रहा है। लड़कों को बैठक तब तक के लिए स्थगित करनी पड़ती है जब तक कि अजीब जीवों का एक बादल उनकी ओर उल्टा हुआ न आ जाए। दोस्त नन्ही परियों से दूर होने में कामयाब रहे, लेकिन वे खुद को भारतीयों की भीड़ के चरणों में पाते हैं। समुद्री डाकू नेता जिमी से पूछताछ करता है, ये पता लगाने के लिए कि वह किस वर्ष से आया था। उसने वह सब कुछ सीखा जिसके बारे में वह उत्सुक था।
वहशी अपने ट्यूटर को मगरमच्छों के पास भेजने का आदेश देती है और वह अपने शिष्यों को रसोईया को उनसे सूप बनाने के लिए देती है। लड़कों की रक्षा के लिए जिमी समुद्री डाकुओं के दल को उसके सबसे मजबूत सदस्यों को खिलाने की चुनौती देता है। ये नेता को प्रभावित करता है और वह जिमी को छोड़ देती है, जिसे अब हुक कहा जाता है। पीटर और लिसा को एक भारतीय गांव में लाया जाता है, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। मुखिया उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित करते हैं और सुझाव देते हैं कि वे जनजाति में रहें। ये जानने पर कि मेहमान अपने दोस्तों की तलाश में निकलने वाले हैं, भारतीय उन्हें जादुई निवलन के बारे में बताता है, एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी बुरा नहीं होता है और अविश्वसनीय रूप से अच्छाई और बुराई दोनों तरह के जीवों से भरा होता है। जिमी नेता से निवलन के बारे में भी बात करता है। वह ये जानने में कामयाब होता है कि वास्तविक दुनिया में वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन खलनायक की राय में यह इतना बुरा नहीं है। वह वन आत्माओं द्वारा निकाले गए भारतीय पदार्थ को प्राप्त करने में कामयाब रही और जिसके साथ आप उड़ सकते हैं। सच है कि उड़ान आमतौर पर राख में समाप्त होती है, लेकिन नेता को यकीन है कि आप इससे बचने का एक रास्ता खोज लेंगे। अब लड़की की योजना जंगल की आत्माओं को खोजने और ढेर सारे उड़ने वाले पराग प्राप्त करने की है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक कठिन रास्ता तय करना होगा और वह चाहती है कि वह उनके साथ शामिल हो जाए। खलनायक की सुंदरता जिमी को सहमत करती है। पीटर एक सपने से जागता है जिसमें वह एक जादुई जंगल के ऊपर उड़ रहा है और आग के गोले उसकी आंखों के सामने जंगल की आत्माओं के लिए उड़ते हैं। मुखिया की बेटी पीटर को जनजाति में रहने के लिए मना लेती है और उसे बताती है कि इस दुनिया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन लड़का अपने दोस्तों को बचाने के बाद भी इसे ढूंढ रहा है। लड़के एक नाव में चढ़ गए और इस तरह वे जंगल के दूसरे हिस्से में जाने और पानी के करीब पहुंचने में कामयाब रहे। नावों में से एक को चुराने के बाद दोस्त समुद्री डाकू जहाज की ओर बढ़ते हैं। पीटर दोस्तों को मुक्त करता है और उन्हें डोंगी में स्थानांतरित करता है, लेकिन वह जिमी के बिना जाने से इनकार कर देता है और जहाज पर लौट आता है। ये जानने के बाद कि मेंटर कप्तान के केबिन में है, लड़का भी उसे बचाने के लिए दौड़ता है, सिवाय इसके कि एक बार जब वह कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि जिमी को उसकी मदद की जरूरत नहीं है। अपने गुरु पर भरोसा करना, पीटर उसे बंदूक देता है और तुरंत खुद को समुद्री लुटेरों के हाथों में पाता है। हालांकि जिमी उसकी मदद के लिए आता है, पीटर का समुद्री लुटेरों के साथ रहने का कोई इरादा नहीं है। अपने गुरु के हाथों से मुक्त होकर लड़का ओवरबोर्ड कूद जाता है। दोस्त अपने दोस्त को नाव में खींच लेते हैं और वे लिसा के उनके साथ आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उसी क्षण लड़के को समुद्री डाकू कृपान ने मार डाला। जिमी को जहाज पर छोड़कर लड़के भाग जाते हैं। पीटर अपने दोस्तों को भारतीयों की ओर ले जाता है, यह महसूस करते हुए कि मुख्य हुक से सजा उसकी प्रतीक्षा कर रही है। कप्तान से उसे भारतीयों का रास्ता दिखाने के लिए कहा ताकि वह लड़कों को ढूंढ सके, लेकिन खलनायक को ये बात पसंद नहीं है कि दोस्त छात्रों को चुनना चाहता है उसके लिए वहाँ होने के बजाय। पीटर प्रमुख को अपने सपने के बारे में बताता है और यह पता चला है कि बूढ़ा व्यक्ति इसे एक बागे में एक आदमी को देखता है जो प्रत्येक सपने में दिखाई देता है, और पीटर ने उसे अपने दर्शन से एक जगह के बारे में बताया जो आत्मविश्वास से कहा कि एक रास्ता मिल सकता है। प्रमुख डीन की बेटी पीटर को उसके सपने से द्वीप पर ले जाती है और समुद्री डाकू नोटिस करते हैं। हॉक्स का सुझाव है कि उसकी सहेली अपना समय ले और युगल का अनुसरण करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारतीय गांव कैसे पहुंचे। दंपति रात भर रुकते हैं और पीटर अपनी बांसुरी पर एक परिचित धुन बजाते हैं, जिसकी आवाज पर एक नन्ही परी शिविर में उड़ जाती है। वह उसके पीछे अपने दोस्तों को बुलाती है और लड़का अपनी प्रेमिका को जंगल की आत्मा के पीछे भागने के लिए जगाता है। जैसे ही सूरज उगता है, दोस्त जंगल की आत्मा का ट्रैक खो देते हैं, लेकिन उनके सामने बुने हुए पेड़ की तने की एक दीवार दिखाई देती है। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। नवयुवक दीवार पर चढ़ जाते हैं और उनकी आंखों को एक अद्भुत दृश्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है, और पूरे शहर की शाखाओं से बुने शहर की सड़कों पर एक बार इस जोड़ी ने एक भी जीवित आत्मा को नहीं देखा है। लेकिन पीटर को भरोसा है कि समय आने पर निवासी उन्हें खुद ढूंढ लेंगे, लेकिन अचानक वह आदमी उनके पीछे आ जाता है, और जब वह अपना हुड हटाता है, पीटर डॉक्टर रिचर्ड फ्लड को पहचानता है। अपने घर के रास्ते में बूढ़ा यात्रियों को बताता है कि वह रानी का कीमियागर है जिसने 300 साल पहले का क्रम बनाया था। एक पारस पत्थर बनाने की कोशिश करते हुए वैज्ञानिकों को समय के चौराहे पर एक ग्रह मिला और वह एक पोर्टल बनाने में कामयाब रहे। कंपनी में शामिल होना टिंकरबेल एक वन परी है जो दोस्तों को बूढ़े व्यक्ति तक ले गई। अतिथि को दिखाने के बाद उसकी प्रयोगशाला बार पीटर को घर भेजने वाली है, लेकिन कहीं से एक कॉल अलर्ट करती है कि शहर में कोई और दिखाई दिया है। रिचर्ड समुद्री लुटेरों से मिलता है, लेकिन उनमें से जिमी को बूढ़ा आदमी चुपचाप अपने दोस्तों को आमंत्रित करता है। वह सभी को घर लाने की बात करता है, लेकिन नेता ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और यहां तक कि वैज्ञानिकों से छुटकारा पाने का इरादा किया ताकि वह आपकी योजनाओं में हस्तक्षेप न कर सके। समुद्री लुटेरों ने बाढ़ के भूतों पर गोलियां चलाई, लेकिन ऐसा करने पर उन्होंने उस शहर में आग लगा दी जिसे वैज्ञानिक बनाया गया है। बूढ़ा आदमी पीटर की रक्षा करने और खलनायक को पकड़ने की कोशिश करता है,
लेकिन कप्तान उस पर एक गोली भेजता है। जिमी ने स्फेयर के पीटर को पकड़ लिया और उसे जल्दी नहीं करने के लिए कहा। उसने लड़के से वादा किया कि समुद्री लुटेरों के साथ मिलकर वे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। पूर्व मित्रों के बीच एक बातचीत तलवार की लड़ाई में बदल जाती है, जिसके दौरान शिक्षक पीटर को स्वीकार करता है कि वह अपनी माँ को जानता था। समुद्री डाकू लड़के को पकड़ लेते हैं और मुखिया की बेटी उसकी सहायता के लिए आती है। लड़की जानती है कि कप्तान उससे क्या सुनना चाहता है और वह सब कुछ बताने के लिए तैयार है, लेकिन उस समय कप्तान ने उसे बुराई करने से रोकने के लिए पीटर के दिल में एक ब्लेड लॉन्च किया। समुद्री डाकू जहाज पर लौट आए और मुख्य बेटी को जंगल की आत्माओं को खोजने का तरीका बताने के लिए उसे यातना देने के लिए भेजा गया। यह महसूस करते हुए कि पीटर हुक के साथ जो हुआ उसके बाद लड़की बात नहीं करेगी, पराग को खोजने और लंदन लौटने की अपनी योजना तैयार करती है और वह कप्तान को बताती है कि वह उसे अब और नहीं रोक सकती। जंगल की आत्माएं लड़के के शरीर को अपनी मांद में ले जाती हैं और इसे जादुई पावला के झरने में डाल दें। गहराइयों में पीटर होश में आता है और जब वह बाहर निकलता है, टिंकरबेल उसे बताता है कि वह अब बिल्कुल उनके जैसा है। जंगल की परियों के बुजुर्गों ने लड़के से मदद मांगी कि उसे समुद्री लुटेरों से अयस्त चुराना चाहिए ताकि वे सभी घर लौट सके। ऐसा करने के लिए लड़के को जादुई शक्तियाँ दी गई है जिससे वह उड़ सकता है। समुद्री लुटेरे खड को पार करने और अपने अधिकार को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कप्तान के बाद दूसरे नंबर पर लड़ाई करता है। अपने सपने में पीटर अपने लापता दोस्तों और प्रमुखों द्वारा कैद की गई बेटी को देखता है। यह महसूस करते हुए कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता, लड़का समुद्री डाकू जहाज के लिए उड़ान भरता है, इस उम्मीद में कि उसे भूत का सामना करना पड़ रहा है। पुराना रसोईया पीटर को बताता है कि कांच का गोला कप्तान द्वारा किनारे पर छिपाया गया था और केवल वह और हुक सटीक स्थान जानते हैं। लुटेरे कैदी को विशाल मकड़ी के जाले के पुल के पार ले जाते हैं, लेकिन पीटर अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हो जाता है। उड़ते हुए आदमी के पीछे लड़की को छोड़कर यह पता लगाने के लिए ऊपर की ओर लौटता है कि समुद्री लुटेरों ने अयस्त कहाँ छिपाया है, लेकिन इसके बजाय वह एक विशाल मकड़ी द्वारा और फिर कप्तान द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। मुखिया की बेटी गाँव लौटती है और पीटर उसके दोस्तों को बताती है कि क्या हुआ था। कंपनी दो खेमों में बन जाती है। कुछ सोचते हैं कि उन्हें अपने दोस्त को बचाना चाहिए, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह सब पीटर की गलती है। हुक पीटर को जहाज से अगवा कर लेता है और जंगल में ले आता है, जहां उनकी यात्रा उसे आश्वस्त करती है कि वह सब कुछ समझ गया है। मेंटल लड़के से वादा करता है कि जैसे ही पीटर उसे भारतीयों के पास ले जाएगा, बाकी लड़कों को लाने के लिए वे घर चले जाएंगे। पीटर एक गुप्त मार्ग की ओर जाता है और एक समुद्री डाकू के साथ अपने आगमन के गार्ड को सचेत करने के लिए सबसे पहले जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद पता चलता है कि यह सब एक ट्रैप बुक थी जो अपने साथ समुद्री लुटेरों की एक सेना लेकर आई थी। समुद्री लुटेरों ने जंगल में आग लगा दी, जंगल की आत्माओं को नष्ट कर दिया। यह महसूस करते हुए कि वे सभी को मार देंगे, पीटर उन्हें जादुई पराग का झरना दिखाने के लिए सहमत हो जाता है ताकि खलनायक हमेशा के लिए जंगल छोड़ दे और उन्हें अकेला छोड़ दे। समुद्री डाकू कप्तान पानी में मर जाता है और जिस तरह से उसे पराग को सोखने की जरूरत होती है, तैरता है। एक बार सतह पर आने के बाद खलनायक भी उड़ सकता है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वह ग्रे एश हुक में बदल जाता है, जो उस लड़के को खत्म करने वाला है जिसने उन्हें फिर से आगे बढ़ाया। लेकिन भारतीय जंगल की आत्माओं को पीटर को जंगल में खोजने और विश्वासघात के लिए उसकी सजा की घोषणा करने में मदद करने के लिए दिखाते हैं। लड़का सारी जिंदगी अपने दोस्तों और खुशियों को भूल जाएगा, उसके पास केवल एक चीज बची होगी, वह है उड़ने की क्षमता। टिंकरबेल ऐसा प्रतीत होता है कि उसने बड़ों को रुकने के लिए कहा और पीटर के लिए खड़ी हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़के की याददाश्त मिटा दी जाती है और टिंकरबेल को जनजाति से भगा दिया जाता है। परी के पास मदद के लिए पुकारने के अलावा कोई चारा नहीं है। वह मुखिया की बेटी को ढूंढती है और उसे ले जाती है। लड़की पीटर को गांव वापस लाती है और महसूस करती है कि उसके साथ कुछ गलत है, लेकिन मुखिया को अब गड्ढे में भेजे गए लड़कों में अजनबी पर भरोसा नहीं रहा। शेष समुद्री लुटेरों ने हुक को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह जल्दी से सभी को उनके स्थान पर रख देता है और गिरोह का नेतृत्व करता है, जो समुद्री लुटेरों को लंदन ले जाने का वादा करता है। दोस्त पीटर को बचा लेते हैं, लेकिन वह किसी को नहीं पहचानता। फिर लड़कों को उसे बांधना पड़ता है और कली अपने दोस्त को जगाने का तरीका ढूंढता है। वह उसे एक बांसुरी बजाता है और माधुर्य पीटर की याददाश्त वापस लाता है। पीटर हुक का पीछा करने और वक्त को खोजने के लिए जहाज पर जाता है, लेकिन उस आदमी को टिंकरबेल द्वारा पकड़ लिया जाता है जिसने उसे जल्दी न करने के लिए कहा। उसे लगता है कि समुद्री लुटेरों को लंदन जाने देना जरूरी है और फिर वे ओब ले लेंगे और इसे वापस कर देंगे। बड़ू लड़का समुद्री लुटेरों के बारे में बात करते हुए सुनता है कि वे कैसे एक भारतीय गांव को नष्ट करने जा रहे हैं, और वह प्रमुख को समुद्री लुटेरों को ओब छोड़ने की चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन प्रमुख की बेटी को व्यापारी पर विश्वास नहीं होता है और वह द्वीप पर लौट आती है। लड़कों में पीटर के दोस्तों को खोजने वाले भारतीय प्रमुख को समझाने में कामयाब रहे कि पीटर झूठ नहीं बोल रहा था। जनजाति द्वीप के लिए सभी को सिर
में इकट्ठा करती है। हम अभी हुक है जो एक पूरी सेना जुटाने और जादुई दुनिया को संभालने के लिए लंदन जाने वाले हैं। हुकूर को सक्रिय करता है और परिवहन के लिए तैयार करता है, लेकिन पीटर योजना बदलता है और पुरुषों को दूर धकेल देता है। इस बीच जहाज पर शेष समुद्री लुटेरों और भारतीयों के बीच संघर्ष होता है। सीखना कि हुक चला गया है। मुखिया अपनी बेटी को द्वीप पर कप्तान को खोजने के लिए अपने आदमियों के साथ जाने का संकेत देता है। समुद्री डाकू गुफा में पीटर राइट को निशाना बनाते हैं, चमकते हुक को नहीं देखते हुए। टिंकर बेल अपने दोस्त के बचाव में आती है, जिसे वह उसके पास ले जाता है। अंत में भारतीय और पीटर के दोस्त एक गुफा में दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि गोला उनके हाथों में होने वाला है, लेकिन झगड़े, शूटिंग और चिल्लाने के बाद के गिरना शुरू हो जाता है और हर कोई तितर बितर हो जाता है। घायल टिंकर बेल को अपनी जेब में डालकर पीटर पकड़ लेता है और उड़ जाता है, लेकिन उसके सामने का निकास बह जाता है और दोस्तों को पता चलता है कि दोस्त अंदर रह गया है। लड़ाई में एक हाथ खो जाने के कारण हुक भी गुफा में रहता है। कुछ दिनों बाद पीटर अपने दोस्तों के सामने अपनी नई पोशाक में दिखाई देता है। गोली की मदद से लड़का लंदन जाने और उपहारों का स्टॉक करने में कामयाब रहा, लेकिन अब वह अपने दोस्तों के साथ एक रहस्यमय दुनिया में हमेशा के लिए रहने के लिए वापस आ गया है, जहां वे कभी बड़े नहीं होंगे।